अरे भाई और बहनों, वेलकम टू संडे रिफ्लेक्शन। आप लोगों ने यह गाना बहुत बार सुना होगा, जिसमें कहा गया था, तुम एक पैसा दोगे तो वो 10 लाख देगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप दान देने के लिए तैयार हो तो ईश्वर भी आपको बहुत कुछ देगा। आज के सुसमाचार में कैसी विधवा के बारे में प्रभु ने जिक्र किया है, जो अति लाचार विधवा है। उसके पास कुछ भी नहीं है। उस मंदिर में जहां पर प्रभु जाते थे, वो हर एक व्यक्ति को देखते हैं। बहुत बड़े बड़े दानी वहां पर आकर जब दान देते हैं, वो सबको दिखाकर दान देते हैं, ताकि लोग जान जाएं कि देखो हम कितना सारा देते हैं। ये एक औरत है जो इतनी लाचार गरीब है, वो भी कुछ देना चाहती है। और प्रभु कहते हैं उसके पास केवल 2 सिक्के थे, जो हम कहते हैं फूटी कोड़ी जो थे। वो अपने पास दोनों सिक्के जो है उस दान के बक्से में डाल देकर वो चली जाती है। उसके पास दिखावे के लिए कुछ भी नहीं है। वो जानती है उसने जो भी दिया है वो दूसरों की तुलना में कुछ भी नहीं है, तुच्छ है। फिर भी प्रभु कहता है कि इस औरत ने जो वहां पर किया है वो सबसे ज्यादा किया है, यानी उसकी प्रशंसा करता है। ऐसा क्यों? वैसे उसकी वैल्यू बहुत कम थी और उससे शायद हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन उसका मनोभाव जो है वो अलग था। दूसरे लोग इसलिए दे रहे थे ताकि दूसरे उनको देख सके, और दूसरे लोग अपने पास ज्यादा था उसमें से कुछ निकाल कर दे रहे थे। लेकिन यह विधवा जो है उसके पास सब कुछ जो था वो केवल वो 2 फूटी कोड़ी थे, उसी को वहां पर डालकर वो चली जाती है, यह समझकर कि ईश्वर मुझे देगा, अब मैं ईश्वर को दूंगा। प्यारे भाई और बहनों, हमारी जिंदगी में हम देखते हैं अक्सर हमें दान देने के लिए बुलावा दिया जाता है, और दान देना भी चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटती है संसार में जिससे हमारे जरूरत पड़ती है। अकाल है, कोई बीमार हो जाते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसी घटना होती है, या कुछ हमें गिरजाघर बनाना है, घर बनाना है, कहीं ना कहीं मदद करना है, तो हम दान जरूर देते हैं। लेकिन दान देना कितना मुश्किल है। हम लेना तो चाहते हैं, देना नहीं चाहते हैं। जब हमें देने के लिए बुलावा दिया जाता है तो मुश्किल हो जाता है। आज के पहले पार्ट में हमें एक और विधवा के बारे में बताया गया है। उस समय उस गांव में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, लोग मर रहे थे। ऐसे समय पर एक नबी जो है एक विधवा के पास आ जाता है और कहता है मेरे लिए एक रोटी बनाकर देना। तब वो विधवा कहती है, सर मेरे पास कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आटा है और थोड़ा सा तेल है, और यह केवल एक समय के लिए मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए बस है। फिर भी आप कह रहे हो मैं जरूर बना दूंगी, फिर मैं मर जाऊंगा, कोई बात नहीं। वह बनाती है रोटी और उस नबी को वो खिलाती है। ईश्वर उस पर आशीर्वाद देता है और वह आटा और वह तेल उसके पास हमेशा के लिए रह जाता है। प्यारे भाई और बहनों, आज हम थोड़ी देर के लिए इसके बारे में सोचें। क्या हम मनोभाव ऐसा हमारे पास है जिससे हम दूसरों को देने के लिए तैयार हैं? हमारे पास जो है उसमें से एक शेयर करने के लिए, कुछ दूसरों को दुख हल्का करने के लिए हम तैयार हैं? दान का मतलब क्या है? दान का मतलब केवल पैसा नहीं है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे लोग हैं जो मरने के पहले अपने आंखें दान देते हैं या अपना पूरा शरीर भी दान देते हैं। आखिर हमारा शरीर मरने के बाद क्या है? वो कुछ भी नहीं है, मिट्टी में मिल जाता है। क्यों ना हम किसी के लिए कुछ करें? उसी प्रकार हम ब्लड डोनेशन, यानी हम अपना खून देकर दूसरों को बचा सकते हैं। या ये छोड़िए, हम किसी अस्पताल में जाकर किसी को सांत्वना दे सकते हैं, ये हम जरूर कर सकते हैं। किसी को हाथ मिलाकर उनसे कह सकते हैं धैर्य रखो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसके लिए हमें कुछ करने की या देने की जरूरत नहीं है,
बस इतना ही, हमें एक उदारशील होना है। उदारशील होना इतना आसान नहीं है, यह एक हैबिट है, इसको बनाए रखना है तो हमें करना चाहिए। तो आज प्रभु जो बुलावा देता है और उस विधवा की जिक्र करता है, तो यह मान लीजिए हमारा दान कुछ भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, वह सभी प्रभु हमें अपनाता है और उसकी प्रशंसा करता है। ऐसी बात नहीं है कि वे लोग अमीर हैं वो दानी नहीं है। अब जानते हो माइक्रोसॉफ्ट का आदमी जो है, वह भी जिसने कितना वो दान देता है, बस इतना ही है, वो एक उदारशील व्यक्ति है। आइए तुम और हम मिलकर हम दान देने के लिए आगे आए, खुशी से दें, ताकि प्रभु भी हमें खुशी से देगा। याद रखिए, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। बहुत अच्छा रहा आज की ये बात सुनकर, क्योंकि मुझे भी किसी को देना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। मैं समझता हूं हम सभी उदारशील बनेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।